ये जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम सो रहे थे। हमें जगाया स्वामी चक्रपाणि जी ने कि जागो, बहुत देर हो गई है। अगर आज भी नहीं जागे तो फिर भूल जाना कि तुम्हारे बापू व्यासपीठ पर आए हैं। आज अपने गुरु के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए आपको सचमुच में जानना होगा। आपको वो जरूरी काम जो बहुत जरूरी लगते हैं उनसे ज्यादा जरूरी ये काम है, क्योंकि देश बचेगा तो हमारा धर्म बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी और फिर हम बचेंगे। पैसा तो हम कभी भी कमा लेंगे, बच्चों के लिए खाना हम कभी भी बना लेंगे, कभी भी उनके लिए कमा करके उनको सजा दिला लेंगे। आज अगर आपका वर्तमान बिगड़ गया तो भविष्य संभालने के लिए आपके पास कोई नहीं होगा। आप देखिए, एक पादरी पर अगर आरोप लगता है तो आरोप किसी के कानों तक जाता ही नहीं है, जबकि मैंने खुद सुना है पादरी के मुंह से कि हाँ, लड़की के साथ एक पक्ष हो गया था। यहाँ तो बापू ने लड़की को स्पर्श भी नहीं किया और 4 साल से जेल में। आरोप लगता ही नहीं है कि मीडिया मजबूर हो जाती है उस आरोप को सिद्ध करने में। कुछ न कुछ दाग लगाना है या फिर पूरी दाग लगाना है। आज मैं स्वामी चक्रपाणि जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे माहौल में आगे आए जब मैं शब्द नहीं है मेरे पास। मैं गदगद हो गई जब उनका फोन आया कि नीलम बहुत हो गया, आज कुछ करने की जरूरत है। तुम देखो एक एक संत को नापते जा रहे हैं। कभी मीडिया उन्हें दोषी ठहराती है, आम जनता के दिमाग में जहर घोला जाता है और फिर मजबूर किया जाता है सरकार को, प्रशासन को कि कोई कड़ा कदम उठाया जाए। ये कड़े कदम कहीं और क्यों नहीं उठाए जाते? सारे संविधान, हर कानून हमारे लिए खिलाफ क्यों है? आप संविधान की धाराएं उठा के देख लीजिए। हिंदू मैरिज एक्ट आपका जिलेगा। अगर आपको शादी करनी है और अगर आपको संबंध तोड़ के दूसरा संबंध बनाना है तो आपको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। घर गृहस्थी के लिए भी हमारे लिए न्यायालय है, लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं है संविधान में, ईसाई मैरिज एक्ट भी नहीं है संविधान में। ये कैसा संविधान है? सेक्युलर की भाषा सिर्फ हमें सिखाई जाती है। कहां के सेक्युलर हुए? ईसाई धर्म मैरिज, ईसाई मैरिज एक्ट क्यों नहीं बनाया संविधान में? मुस्लिम मैरिज एक्ट क्यों नहीं बनाया संविधान में? हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया। हमारी घर गृहस्थी भी कानून के दरवाजों से चली और कानून के दरवाजे कौन नाप रहा है ये समझ में नहीं आ। मीडिया कानून को बताता है क्या करता है, कानून प्रशासन को बताता है क्या करता है और फिर घाल में हो जाता है। कौन कहां दोषी है ये तो अभी क्लियर हुआ ही नहीं, लेकिन हाँ हम अपनों में दूरियां जरूर बन गई है। मैंने ये सभा के लिए जब स्वामी चक्रपाणि ने कदम उठाया मेरी आंख से आंसू निकले। ऐसे माहौल में स्वामी जी सामने आए और जबकि कोई भी माहौल इस समय पॉजिटिव नहीं है, पूरा मीडिया गैया रहा है कि स्वामी जी आपने पैसे लिए होंगे, जबकि हमने हर इतने पैसे लिए कि हम आपस में शेयर करते हम क्या देंगे। सोचिए, मैंने कईयों को फोन किया, कुछ समितियों को, कुछ साथियों को, सबके मन में इतनी हताश, इतनी निराशा, इतनी असंभावना, इतना डर, शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत भी अच्छा होगा, कम से कम बिगुल तो पता है। और ये बिगुल पता बहुत अच्छा है, ये विजय की पताका जरूर लहराएगी। और अब जब सब संत एक साथ खड़े हैं तो फिर कौन रोक सकता है? कौन इस काली रात को नहीं मिटने देगा? ये काली रात अब जरूर खत्म होगी, विजय का सूरज निकलेगा, जरूर निकलेगा। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा, हमें अपने अपने लिए जो समय हम निकालते हैं उन 24 घंटों में हमें थोड़ा समय संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी गौ रक्षा के लिए, अपने संतों की रक्षा के लिए सोचना होगा। आप देखिए, ये आज की पॉलिसी नहीं है। बच्चों को जो किताबों में पढ़ाया जाता है, संत तुलसीदास को
तुलसीदास पढ़ाया जाता है। बच्चे तुलसीदास जी की रचना पढ़ते हैं लेकिन कहते हैं ये कवि तुलसीदास की रचना है। क्या वो कवि थे? कौन कहेगा वो कवि थे? संत थे। उन्होंने वो राम को देखा था जो राम खुद को नहीं पहचान सके थे, उनको तुलसीदास ने देखा। और आज पूरी दुनिया उस नगर से उन शब्दों से भगवान राम के दर्शन करती है। क्या वो महज कवि थे? संत सारे द्वारा को कबीर जी को कवि कहा जाता है किताबों में, यानी आने वाली पीढ़ियों के दिमाग से संत नाम का शब्द हटाया जा रहा है। सोचिए ये षड्यंत्र छोटा सा नहीं है, बहुत गहरा है। इसके लिए हमें आवाज भी अपनी बुलंद करनी होगी, अपनी सोच अपने आप को इकट्ठा करना होगा जिससे आज लोगों को समझ में आ जाए कि हिंदू एक एक हिंदू आज जाग चुका है, क्योंकि अब मार्गदर्शन सब संतों का एक है। संत पहले एक और एक करके आते थे, आज एक और एक संत 11 हो गए हैं। एक और संत खड़े होते 111, 1011, अब वो एक एक करके सीढ़ियां चार वाली गिनती नहीं है, अब बढ़ गई है। इसलिए ये आवाज बहुत खूबसूरत है, इसका नतीजा और भी अच्छा होगा। बस जैसे आज आपने अपने दिल से समय दिया है और अपनी कामना से इच्छा की आज देखते हैं, वैसे ही अपना समर्पण रखिएगा तो देश के लिए कोई आज नहीं होगी जो देश की आजादी को देश की संस्कृति को जला पाएगी। याद रखिए देश को खत्म करने से पहले उसकी संस्कृति पर वार किया जाता है। नक्शे में आज मित्र और रोम नहीं मिलते क्योंकि उनकी संस्कृति पहले खत्म की गई थी, बाद में मित्र और रोम भी खत्म हो गए, भारत पर भी अटैक किया। लेकिन इन संतों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अटैक का जवाब देने के लिए मैदान देते हैं। मैं इन सबको प्रणाम करती हूँ आपके दिल के मौजूद विश्व तत्व को।